गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर फर्स्ट, ये लास्ट मैटर है इसका, ये डिफरेंस समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। ये भी एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये डिफरेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से समझना। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसियों को जो गोल्स को डिसाइडेड करता है, मैनेजमेंट जो बिजनेस का मैनेजमेंट करता है, दूसरों से वर्क लेने का कार्य करता है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन होता है। जैसे कि हम इस मीनिंग में हम समझ लेंगे इसको, आप सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका मीनिंग, इट इज दैट फंक्शन विच इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरप्राइजेस। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पॉलिसी होती है, उसको सेटिंग करता है, उसको बनाता है, उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क क्या होता है, पॉलिसी को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है, निर्धारित करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ये नीतियां बनाने का, पॉलिसी बनाने का वर्क करता है। मैनेजमेंट इट इज द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर। मतलब मैनेजमेंट का वर्क क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट दूसरे लोगों से कार्य करवाने की कला है, ये दूसरे लोगों से क्या करता है, वर्क लेता है, काम करवाता है, तो इसको मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना हम when two or more than two persons वर्क टूगेदर इन एन इंटरप्राइजेस। मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी इंटरप्राइजेस में काम करते हैं, वेन टू और मोर देन टू पर्सन वर्क टूगेदर इन इंटरप्राइजेस, मतलब किसी इंटरप्राइजेस में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर वर्क करते हैं, इट बिकम्स नेसेसरी टू डिवाइडेड द वर्क बिटवीन देम। मतलब उनके बीच वर्क को डिवाइडेड करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब कभी किसी संस्था में दो या दो से अधिक व्यक्ति वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, फिर उनके बीच कार्य को डिवाइडेड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। द एंड एस्टेब्लिशमेंट कोऑर्डिनेशन, मतलब उनके बीच तालमेल बनाना बहुत आवश्यक है। जो उनको वर्क दिया है, उनकी क्रियाओं में, उनकी जो कार्य करने का जो तरीका होता है, सभी जो कर्मचारी होते हैं उनमें तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बिजनेस के अंदर बहुत सारे वर्क, जैसे कि विद्यालय होता है, तो विद्यालय में कई प्रकार की पोस्ट होती है, लेक्चरर की पोस्ट होती है, प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, और वाइस प्रिंसिपल की, वो सबके वर्क अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य, जो गोल होता है, वो एक ही होता है, तो उनकी क्रियाओं में तालमेल बिठाना ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है रोल, ठीक है, समझना इसको, रोल को आप समझना, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है, मैनेजमेंट का रोल क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, ठीक है। रिगार्डेड इज ब्रेन ऑफ द इंटरप्राइजेस, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो ब्रेन होता है, इंटरप्राइजेस का क्या होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है ना, क्योंकि ये नीतियां बनाने का, पॉलिसी बनाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ द मैनेजमेंट इज दैट ऑफ हार्ट, मतलब ये जो मैनेजमेंट होता है ये क्या होता है, हार्ड होता है, है ना, क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ट होता है। और ऑर्गेनाइजेशन इज रिगार्डेड एज बॉडी ऑफ द एंटरप्राइजेस, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये संस्था की बॉडी होता है, क्या होता है, बॉडी होता है, मतलब एक बॉडी की तरह वर्क करता है। तो ये तीनों के अलग अलग रोल होते हैं बिजनेस के अंदर। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ब्रेन होता है, वो क्या होता है, ब्रेन होता है इंटरप्राइजेस का, ये इंटरप्राइजेस का बिजनेस का क्या होता है, हार्ट होता है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस की एक बॉडी होती है,
ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फंक्शंस। फंक्शंस को आप समझना, फंक्शंस कौन क्या कार्य करता है। फंक्शंस इट इज डिटर्मिनिस्टिक और थिंकिंग फंक्शंस, मतलब ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, इसका इसका जो कार्य होता है वो फंक्शन के बारे में सोचना होता है ना, सोचना होता है तो मतलब किस प्रकार से कार्य करना है, कैसे है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है। इट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ये क्रियाओं के अनुसार कार्य करवाते हैं, ये जो नीति नीति पॉलिसियां बनाते हैं उस पॉलिसी के अनुसार ये कार्य करवाने का कार्य करते हैं। और इट इज एस्टेब्लिश रिलेशनशिप और कोऑर्डिनेशन, ये कौन सा वर्क करता है, ये तालमेल बिठाने का वर्क करता है ना, मतलब ये क्या एस्टेब्लिश करता है, रिलेशनशिप और तालमेल बिठाने का वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप स्कोप, स्कोप स्कोप को आप समझ, स्कोप मतलब क्षेत्र, ठीक है। इट हैज अ ब्रॉडर स्कोप, मतलब इसका स्कोप विस्तृत होता है, बड़ा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप होता है, जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि टॉप लेवल में आता है इसलिए इसका क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसकी पॉलिसी के अनुसार ये सारे चीजें, ये सारे मैनेजमेंट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन है सारे काम करते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप होता है वो ब्रॉडर होता है, मतलब बड़ा होता है, विस्तृत होता है। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज इज सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये इसका क्षेत्र कहां तक सीमित है, इसका क्षेत्र कहां तक सीमित है, ये जो मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसियां बनाता है वह उन पॉलिसी के अनुसार वर्क करने तक इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। और ऑर्गेनाइजेशन स्कोप इज लिमिटेड, इसका स्कोप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, लिमिटेड, कम, बहुत कम है ना। उसके बाद लेवल, लेवल वाले पॉइंट को आप समझना, लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इज द टॉप लेवल, टॉप लेवल ऑन मैनेजमेंट, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये टॉप लेवल का होता है, क्योंकि ये जो पॉलिसियों को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, गोल्स को ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, और ये जो होता है जो एंटरप्राइजेस का क्या होता है, ब्रेन होता है ना, ब्रेन दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, क्योंकि ये सारी पॉलिसी को बनाने का वर्क करता है, ठीक है। तो इसका लेवल क्या होता है, टॉप, ये टॉप लेवल का होता है, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को समझना आप, मैनेजमेंट फंक्शंस और डिस्चार्जेड बाय लोअर एंड मिडिल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल का कार्य करता है, ये मिडिल लेवल का वर्क करता है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो नीतियां बनाता है उसके अनुसार ये वर्क करता है, तो ये इसका जो लेवल है वो मिडिल लेवल के, ये मिडिल लेवल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जो इसका लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो कौन डिसाइडेड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट मिलकर इसका जो लेवल है वो डिसाइडेड करता है ये किस लेवल का है, ठीक है। तो ये लेवल वाला पॉइंट है, तो ये आपको ये जो डिफरेंस है आपको लर्न करना है और अच्छे से जो है कि लर्न करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आने जैसा है ना, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। थैंक यू, ओके।